सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैंने अपनी बाइक की एयर सर्विस कराई है, तो आज बताने वाला हूं कैसी रही सर्विस की क्वालिटी, क्या क्या पार्ट्स मैंने चेंज कराया है। तो सबसे पहले किलोमीटर्स में दिखा देता हूं कि मैंने कब कराया। तो ये मैंने कराया है 14,493, मतलब 14,490 अप्रॉक्स 14,500 पे मैंने इसकी जो है सर्विस कराई है। अभी जस्ट करवा के लेके ही आया हूँ, अभी जस्ट लेके आया हूँ और अब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद बात कर लेते हैं कि पहले बात कर लेते हैं कि क्वालिटी कैसी थी, उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या पार्ट्स चेंज कराए, चलो वो देखते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वालिटी कैसी थी। तो क्वालिटी इज़ बेटर, आई मीन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाहर बाहर की अगर क्वालिटी देखी जाए तो सबसे पहले पॉलिश के ऊपर आते हैं, धुलाई के ऊपर आते हैं। तो यार, जो पॉलिश करने वाला बंदा था, आई गेस वो नया था, उसको नहीं पता कि गीली बाइक पर पॉलिश नहीं करते भाई। तो गीली बाइक पर करी, उसको मैंने बोला कि भाई ये क्या कर रहा है, तब जाके उसने तो थोड़ा सुखा के जो है पॉलिश मारी। उसके बाद बात करूँ अगर मैं पार्ट्स की, तो मेरे पास लिखे हुए हैं। तो एक काम करते हैं, पहले मैं बाइक को थोड़ा चला लेता हूँ, बिकॉज मेरे को, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार, सीरियसली। मेरे को ऐसे ऐसे चलते रोड पे वीडियो बनाना ना, मैं यार कंफर्टेबल नहीं हो पाता सीरियसली यार, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्या कर सकते हैं यार। अब हम यार मोटो ब्लॉग आ रहे हैं, तो हम मोटो ब्लॉग ही बनाएंगे। मोटो ब्लॉग बनाते टाइम यार मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ग्लव्स लेने हैं यार मेरे को, क्योंकि ग्लव्स भी फट चुके हैं, इस बार थोड़े अच्छे वाले लेंगे, ठीक है। तो चलो यार चलते हैं। तो चलाते के साथ ही सबसे पहली चीज़ तो ये बोलूँगा भाई, बाइक का साउंड जो है वो चेंज हो जाता है अगर आप सर्विस कराते हो। उफ, स्टैंड नहीं हटाता मैंने। बाइक का साउंड जो है वो चेंज हो जाता है अगर आप सर्विस कराते हो, इंजन ऑयल वगैरह चेंज होता है, वही ना, थोड़ा सा फील अच्छा आता है यार, और कुछ नहीं है। बाकी मज़ा आ रहा है भी चलाने में। ओ मैन, बहुत मस्त बाइक है यार ये। सर्विस कराने के बाद एक बार भगाएंगे यार, उसके बाद बात करेंगे बाकी, क्योंकि अपन तो समझ जाओ अभी पेट्रोल भी नहीं है यार, अभी तो पेट्रोल भी पिलाना है इसको, खर्चा है भाई इसके अंदर। तो ठीक है भाई, अब बात करते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या काम हुआ। तो मैं कुछ काम पहले से लिख के लेके गया था यार। ट्रैफिक क्यों है यार, मैं बात ही नहीं कर पाऊँगा यार ऐसे, तो समझा करो यार बंदे को। थोड़ा खाली रोड चाहिए जिसके अंदर वो बात बात कर सके थोड़ा यार अपनी ऑडियंस से। तो चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो मैं कुछ काम लिख के लेके गया था, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, उसमें से हाफ ही हुए हैं, चलो ठीक है। तो जो पार्ट्स चेंज कराने थे, जो भी चीज़ें चेंज करानी थी, वो तो हो गई क्लच केबल को छोड़ के, बिकॉज इतने बड़े सर्विस सेंटर में हीरो एक्सट्रीम की क्लच केबल ही नहीं है, क्या बोलें, चलो जाने दो। उसके बाद स्पार्क प्लग मैंने चेंज कराया है, स्पार्क प्लग चेंज हो गया है। और एयर फिल्टर मैंने चेंज कराया, एयर फिल्टर चेंज हो गया। स्पार्क प्लग भी मेरे बैग में पड़ा है, एकदम बढ़िया क्वालिटी का निकला था स्पार्क प्लग के अंदर, कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो मुझे पता था, जब मेरी बाइक 40 का माइलेज दे रही है, डेट मीन्स कि स्पार्क प्लग इज़ ओके। बट मेरे को एक चीज़ होती है ना कि चेक करना है कि ऑयल खा रही है गाड़ी, नहीं खा रही, तो स्पार्क प्लग पे इनकेस अगर वो ब्लैक ब्लैक जमता है, तो मतलब ऑयल खा रही है, जो भी था या कुछ भी मिक्स हो रहा था, तो स्पार्क प्लग से आइडिया लगे कि हेड की कंडीशन ठीक है। 12:30 बज रहे हैं यार दिल्ली में, 12:30 बजे इतना ट्रैफिक होता, सोचो पीक टाइमिंग पे क्या हाल होता होगा सुबह और शाम ऑफिस टाइमिंग पे। अब आई थिंक यार रूट थोड़ा सा क्लियर मिलेगा तो हम बात कर पाएंगे। प्राइसिंग की यार जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं काम करता हूँ वर्बली बता के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक इमेज डाल दूंगा, मैं पिक क्लिक करके डाल दूंगा, आप उसके अंदर से देख लेना। अब उसमें बता ही रखा हूँ, मतलब 115 का स्पार्क प्लग है, और आई थिंक 145 का जो है वो इनका एयर फिल्टर हो गया, राइट। और क्लच केबल थी नहीं, क्लच केबल का प्राइस मैंने पूछा, क्लच केबल ऑर्डर करनी पड़ी, इट वाज अराउंड 200, तो वो आने में भी थोड़ा टाइम है। तो जब मैं सर्विस कराने गया था, मैंने उसको चीज़ें बताई थी, उसमें से ऑयल लीक का जो मेन प्रॉब्लम था वो था। तो ऑयल लीकिंग के लिए उसने बोला कि भाई अभी देखना पड़ेगा, हो सकता है मॉइस्चर हो, और मुझे बोला कि आप ना इसको चलाओ थोड़ा पहले। ओहो यार क्या कलर है यार इसकी बाइक का भाई, RS 200 बढ़िया ही। ओहो भाई क्या कर रहे हो, उल्टा क्यों आते हो यार। Here you can see the oil leakage. अभी उसने क्या किया था मैकेनिक ने, ये थोड़ा सा अंदर कुछ डाल के साफ़ किया था, क्योंकि वो मिट्टी चिपक चुकी थी पूरी। तो अभी उसने जब मेरे को बोला था, तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है ना, अभी ये सूखा है, हाँ सूखा है, पहले से तो काफ़ी सूखा है। तो उसने बोला आप गाड़ी थोड़ा चला लो, एक दो दिन चलाओ। वैसे तो उसने 5-6 किलोमीटर बोला था, लेकिन मैंने बोला चलो एक दो दिन, अभी मैं बता रहा हूँ, एक दो दिन चलाओ उसने बोला। और तब चलाने के बाद अगर यहाँ पे वापस से वो वेट वेट सा है ना, जिसमें मिट्टी चिपक जाती है, देन ये ऑयल लीकेज हो सकता है। तो देखता हूँ अभी, देखो 5-6 किलोमीटर तो मैं चला चुका जब से,
अभी तक तो ऑयल लीक नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, बाकी थोड़ा देखते हैं। और बाकी ये स्पार्क प्लग उसने चेंज किया था तो ये थोड़ा सा न्यू है। बस तो यार मेरे पास देखो वैसे टाइम भी नहीं था, मैंने उसको बोला जल्दी बना के दे, कोटिंग वोटिंग का जो भी था मैंने रहने दे भाई, जो होगा बाद में देखूंगा मैं, अभी बस मेरे को गाड़ी की सर्विस करके दे। और मैंने पूछा कि इनकेस अगर गाड़ी की सर्विस मैं एक दिन बाद लेट करा रहा हूँ, जैसे अगर मेरी 31 की लास्ट डेट है अकॉर्डिंग टू जो हीरो का जो भी रहता है, तो अगर मैं एक दिन बाद करा रहा हूँ तो कह रहे नहीं यार प्रॉब्लम हो जाता है डेट वेट से, तो मतलब भाई तो मेरे को आज ही करके दे वरना मैं आ नहीं पाऊँगा अगले 5 दिनों तक। तो जो बंदा था काफ़ी अच्छा था, तो मैं यहाँ पे यार कुछ बंदे फिर से रेड लाइट, यार क्या है यार ये, नो गॉड प्लीज नो नो नो, गाड़ियाँ कम रेड लाइट ज़्यादा है यार। चलो तो सबसे पहले जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो बंदे होते हैं जो अपने को असिस्ट करते हैं, जॉब कार्ड बनाते हैं, उसमें से वहाँ पे एक तो इतना बेकार है, इतना बेकार पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड है, और एक इतना ही अच्छा है कि पता नहीं क्यों इतना अच्छा है। हो सकता है मेरे साथ अच्छा क्योंकि थोड़ी होती है ना बातचीत जब बंदा 2 साल से वहीं विजिट कर रहा है। तो मैं पर्टिकुलरली 2 मैकेनिक से अपनी बाइक दिखवाता हूँ, मेंशन कर देता हूँ यार, अच्छे लोग हैं तो मैं मेंशन कर देता हूँ, एक रोहित है और एक का नाम यार याद नहीं है, तो उन दोनों से ही मैं अपनी बाइक जो है वो सर्विस करवाता हूँ। अच्छे हैं दोनों, बढ़िया तरीके से काम करते हैं। कहा ओ नो 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 भाई ना ना ना, ना रिस्की है अब कर यार, मशीन से ना प्यार है यार मुझे इस मशीन से, सीरियसली जिस बंदे ने भी हीरो में ये डिज़ाइन किए ना, हैट्स ऑफ टू डेट पर्सन मैन, और जिसने भी और क्या जिसने जिसने बनाई है उसको भी हैट्स ऑफ, और जिसने क्वालिटी चेक करी है ना पार्ट्स की क्वालिटी हो गई ये सब, उसको पकड़ो भाई उसको धरो। और जो वो बंदा है क्या बोलते हैं उसको, जो अब इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते ना, जो भी जिसके भी हाथ में है कि भाई पार्ट्स अभी नहीं है पार्ट जो कम आ रहे हैं, एक उसको दबोचो, बाकी जिसने डिज़ाइन की है और जिसने जो भी किया है वो बहुत बढ़िया बंदा होगा, क्योंकि यार मज़ा आता है यार जनरल। वो गलत जा रहा हूँ। अब तो यार देखो मैंने वहाँ भी एक दो बंदों से बात करी अभी 160R वालों से, वो भी सेटिस्फाई नहीं है 160R से, बेसिकली वो बाइक का अलग सर्विस से सेटिस्फाई नहीं है ना, उसको भी बोलता है टैपिट का साउंड है, वो किसी ने बोला टैपिट, उसने टैपिट इतने टाइट कर दिए कि उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही, पता नहीं ऐसी ऐसी चीज़ें थी। बाइक से ऐसा जितना कोई परेशान नहीं है सच बताऊँ मैं, बट अभी मैं बाइक से एकदम खुश हूँ, और थैंक गॉड मेरे पास BS4 है, बिकॉज BS6 के वहाँ पे जो कंप्लेंट्स आई हैं मेरे सामने भाई, मैं सोचता रह गया भाई अच्छा हुआ ने BS6 नहीं ली, वहाँ जो स्प्लेंडर पैशन और ये सब वाले आते हैं ना, उनके सबसे ज़्यादा ख़राब होता है सेंसर, बिकॉज यार ओपन बाइक है, मिट्टी पानी सब लगता है सेंसर, ऊपर से क्वालिटी ऐसा जितनी अच्छी है नहीं कि यार मतलब ख़राब ही ना हो, क्वालिटी तो बेकार ही है यार उसके अंदर, क्योंकि यार सस्ती बाइक है कितना ही करेंगे, कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बाइक की कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो कॉस्ट कटिंग करते, कॉस्ट कटिंग में वो पार्ट्स की क्वालिटी गिरा देते हैं। अब कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो उस चीज़ के मामले में यार आई एम लिटरली हैप्पी कि यार मैंने BS4 परचेज़ की है, BS6 नहीं है मेरे पास। और बंदा मतलब जब गाड़ी सज धस के आई मेरी, बंदे कह रहे कितनी पुरानी है भाई, पूछते हैं सच में लोग क्वेश्चन वगैरह करते हैं इस बाइक को लेकर बहुत, कि मतलब कहाँ से क्यों कैसे जो भी है, मतलब यार दो साल एक दो महीने हो गए होंगे, कह रहे लगती नहीं है, मतलब यार थैंक यू यार, मेंटेन करनी पड़ती है यार गाड़ी को, अभी चमकती चमकती देखो यार, कौन बोल सकता है कि 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बाइक को, मेंटेनेंस करना पड़ता है। बाकी अभी इसके अंदर और चीज़ें हैं जो चेंज होगी, पीछे वाले ब्रेक पैड्स चेंज होंगे, फ्रंट वाले शायद अभी चलेंगे, एंड क्लच केबल तो होनी है, क्लच केबल काफ़ी टाइट था इसकी, अभी उसने ऑयलिंग कर दिया तो अभी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। अब बताता हूँ चलाने में क्या मज़ा आ रहा है बेसिकली इस बाइक को, तो चलाने के लिए देखो पहले जो फील था थोड़ा साउंड अलग था, तो सर्विस के बाद अभी तो कम आ रहा है, बट मैं जानता हूँ हफ्ते भर में वो साउंड वापस आ जाएगा। तो गियर में काफ़ी क्लिकी साउंड आ रहा है, मतलब क्लिकी फील आ रहा है, साउंड तो सुनाई नहीं दे रहा, क्लिकी फील आ रहा है सीरियसली गियर के साथ। अच्छा अब मज़ा आ रहा है थोड़ा गियर वेयर डालने में, पहले ना हल्का सा एक्सपीरियंस जो होता है ना वो थोड़ा सा सुधर गया, आई मीन ऑयल चेंज जो है हो सकता है इस वजह से हो। अच्छा चेकिंग की वजह से है ये जाम, ओ भाई चेकिंग हो रही है यहाँ तो फुल दबा दब, क्या हो गया यार आगे बिल्कुल खाली है। तो गियर के साथ अभी जो फील आ रहा है ना बहुत सही है भाई, मज़ा आ रहा है, वो एक कटक सा होता है ना यार, समझ रहे हो क्या कहना, कट सा मतलब फील आता है ऐसे लग गया है, वो वाला फील आ रहा है। अब एक होता है कि ऐसे ही हो गया पता ही नहीं लग रहा लगा है कि नहीं लगा, लेकिन अभी कट वाला जो आवाज़ आ रहा है, आवाज़ तो नहीं मतलब जो फील आ रहा है, उस फील से ही हम आवाज़ ले सकते हैं समझ जाओ, तो वो काफ़ी मज़ेदार है यार। और बाकी कोई फ़र्क इतना बड़ा तो है नहीं, देखो पहले भी चली रही थी अभी भी चली रही है, जो था मैंने बता दिया,
तो ख़त्म करते हैं वीडियो को यहीं पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसी सब वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि जितनी डिटेल्स अभी मैं नहीं बता पाया हूँ ना ट्रैफिक और मैं भूलने की वजह से, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आप चाहो, अगर इफ़ यू हैव हीरो एक्सट्रीम 200S तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई भी हीरो की अगर कोई प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी हो दुनिया की कोई भी बाइक हो, आप टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही सकते हो। उसमें राइडिंग वगैरह का अपन कभी कभी प्लान कर लेते हैं और ऐसी सब बातें चलती रहती हैं। बाकी वो मैंने डिटेल्स बताई थी कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक बार वो फोटो भी डाल दूंगा, फोटो तो मैं यहाँ भी डाल चुका हूँ, शायद एडिटिंग में देख लूँगा मैं। तो बस मज़े करो और यार ये बाइक यार फील आ जाता है लिटरली फील आ जाता है ये चला के। तो अगर आप अभी तक यहाँ टिके हुए हो तो यार थैंक यू, क्योंकि मुझे लगता नहीं कोई मेरी वीडियो एंड तक देखता होगा। अभी देखता हूँ कुत्ता है कि नहीं, तो मुझे भौंकता है, बीच में से आ जाता है वो, अभी कॉर्नरिंग पे आ गया ना भाई, जाऊँगा मैं कुत्ते के साथ